हेलो, वेलकम बैक टू प्रीति एसएससी क्लास क्लास 7। दिस इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रिपल टायर स्ट्रगल। हम लोग ट्रिपल टायर स्ट्रगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कितनी डायनेस्टीज थी? 3 डायनेस्टी थी। कौन कौन सी डायनेस्टी थी? नंबर 1 वाज राष्ट्रकूटास, पालास एंड गुर्जर प्रतिहारास। सीक्वेंस आप देख सकते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो मालवा से थे, और जो आपके पालास थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और नेपाल का कुछ पार्ट है, वो उस समय पालों के शासन के अंतर्गत था। और इसके जो फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, वो कौन थे? गोपाल। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी डायनेस्टी का कौन फाउंडर था। तो आपको ये भी बताया था कि राजपूतों का शासन कब से लेकर के कब तक रहा था, तो 750 सेंचुरी से लेकर, यानी कि 750 शताब्दी से लेकर के 12 सेंचुरी तक राजपूतों का, 1200 सेंचुरी तक यानी कि 1200 शताब्दी तक राजपूतों का शासन काल रहा है। नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पालास एंड अबाउट द राष्ट्रकूटा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Yes, in the previous video lecture we have discussed about the Pal Empire that was established by Gopal in 750 century, and it is the part of the Bengal, Bihar, part of Odisha and Nepal. Now we will discuss from here. Their empire included Kannauj, Odisha, Bihar, Assam and Northern India. It means that दे फॉट, जो पाल थे उन्होंने कई युद्ध लड़े गुर्जर प्रतिहारों के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ। तो इस प्रकार से जो पाल डायनेस्टी थी, जो पाल वंश था, उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, उसकी जो राजनीतिक सीमाएं थी, वो धर्मपाल के अंतर्गत और उसके बेटा जो देवपाल था उस समय ज़्यादा विस्तार किया था। जो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल और उसका सन देवपाल था, उनके समय में डायनेस्टी ने अच्छा एक्सपेंड किया था, इट मीन्स अच्छा विस्तार किया था। तो उस समय जो उनका एम्पायर था वो कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम और उत्तरी भारत तक फैल चुका था। अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन क्रॉनिकल्स, और तिब्बतन इतिहास के अनुसार, क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्ट्री के अनुसार, द पालास फॉर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट, जो पाल थे वो बुद्धिस्ट पैटर्न थे, यानी कि बुद्ध लोगों को बुद्धों को संरक्षण देने वाले थे। नाउ बुद्धिस्ट लर्निंग लिटरेचर एंड एजुकेशन, धर्मपाल इस्टेब्लिश द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट धर्मपाल इस्टेब्लिश द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन में भी आज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट हु इस्टेब्लिश्ड द विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, द आंसर विल बी धर्मपाल। पाल रूलर्स ऑल्सो डोनेटेड जनरसली टू नालंदा यूनिवर्सिटी। पाल जो रूलर्स थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डोनेट किया था। अनदर फेमस सेंटर ऑफ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो भी बुद्धिस्ट लर्निंग और एजुकेशन के लिए फेमस थी, शिक्षा के केंद्र थे ये विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, उस समय शिक्षा के केंद्र थे, एजुकेशन सेंटर थे। दे हैड ट्रेड एंड कल्चर रिलेशंस। यस, नाउ पाल रूलर्स ऑल्सो डोनेटेड जनरसली टू नालंदा यूनिवर्सिटी, अनदर फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड एजुकेशन। दे हैड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया, इसका साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया था, अपना जो भारत है वो किस में आता है? साउथ एशिया में आता। तो जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट था उसके साथ भी पाल डायनेस्टी के ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं, यानी कि व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। महीपाल, वन ऑफ द लेटर रूलर, वाज डिफीटेड बाय राजेंद्र चोल ऑफ द चोल डायनेस्टी इन 1023 सेंचुरी। जो महीपाल था उसको राजेंद्र चोल, जो कि चोल डायनेस्टी का किंग था, उसने महीपाल को 1023 सेंचुरी में, शताब्दी में हरा दिया था। रामपाल वाज द लास्ट नोन किंग ऑफ द डायनेस्टी। अब जो रामपाल था वो लास्ट किंग था पाल डायनेस्टी का। तो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट दैट हु वाज द
लास्ट किंग इट मीन्स रामपाल वॉज द लास्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी. नाउ नेक्स्ट द खलजी डायनेस्टी. द खलजी इन्वेशंस इवेंचुअली जो खलजी इन्वेशंस थे यानी कि जो खलजी आक्रमणकारी थे उन्होंने ज़्यादातर जो है वो फाइनल ब्लो टू द पाल डायनेस्टी के समय में ही हुए थे. जो खलजी आक्रमण हुए थे वो ज़्यादातर पाल डायनेस्टी के समय हुए थे. ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी का जिसको पाल डायनेस्टी ने फाउंडेड किया था, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासकों ने करवाई थी. ये मोस्ट फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन का सेंटर है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग दैट वी विल डिस्कस इज राष्ट्रकूटास जो दक्षिण भारत की साइड में थे यानी कि डेक्कन में इनका शासन था. द राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दंतीदुर्ग और दंतीवर्मन. एज आई टोल्ड यू दैट हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास, दंतीदुर्ग या इसका जो अदर नेम है वो दंतीवर्मन. द वर्ड राष्ट्र इन संस्कृत मीन्स टेरिटरी. जो राष्ट्र है उसका मतलब संस्कृत में होता है क्षेत्र या टेरिटरी. वाइल कूटास मीन चीफ्टन यानी कि प्रमुख. जो कूटा का मतलब होता है वो प्रमुख होता है. प्रायर टू acquiring the status of a ruling dynasty in Deccan, सब पहले यानी कि prior का मतलब earlier, पहले इन्होंने दक्कन में अपनी डायनेस्टी acquire करने से पहले जो राष्ट्रकूटास थे वो वासल्स ऑफ द चालुक्या के क्या थे, वासल्स थे. उनके यहाँ वर्क करते थे इन सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य भारत में चालुक्यों के अंडर में वर्क करते थे. यानी कि जो राष्ट्रकूटास थे वो पहले के समय में किसके अंडर में वर्क करते थे, चालुक्य डायनेस्टी के. द डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड मैनी फेमस वॉरियर्स एंड इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स. और इस डायनेस्टी के द्वारा कई प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं और कई अच्छे प्रशासक भी हुए हैं. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन दैट इज कैलाशनाथ टेम्पल. जो कैलाशनाथ टेम्पल का पिक्चर है यू कैन सी मालखेड और मानखेड नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास. उस समय जो राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी, राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, मालखेड या मानखेड जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आती है. तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट विच वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मालखेड जो सोलापुर जिले में आती है महाराष्ट्र के. दे फॉट मैनी वॉर्स विद द गुर्जर प्रतिहाराज और द चालुक्याज ऑफ वेंगी और द पल्लवाज ऑफ कांची एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई. आपने देखा कि किस प्रकार से जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के साथ और वेंगी के चालुक्यों के साथ, कांची के पल्लवों के साथ और मदुरई के पांड्यों के साथ युद्ध किए थे. ये सारे डायनेस्टीज नेम हैं. ग्रेजुअली लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र गुजरात एंड मालवा केम टू बी इंक्लूडेड इन द राष्ट्रकूट एम्पायर. और धीरे धीरे जो महाराष्ट्र गुजरात और मालवा का क्षेत्र भी राष्ट्रकूट एम्पायर में शामिल हो गया. नाउ नेक्स्ट फेज. नाउ फर्स्ट यू ऑब्जर्व द मैप इज गिवन दैट द गजनी एम्पायर इज गिवन. दिस इज द कश्मीर पार्ट एंड दिस इज तोमर्स एंड दिल्ली का, जिसको अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है. ये चाहमानों का साम्राज्य है. ये माउंट आबू जो कि गुर्जर प्रतिहारों का रहा है, परमारों का शासन दिया हुआ है यहाँ पर, एम्पायर दिया हुआ है. धार, इंदौर जो मध्य प्रदेश में आते हैं, मांडू, सोलंकीज दिए हैं जो गुजरात साइड में है आपका, खजुराहो ये भी आपका इसमें मध्य प्रदेश में आते हैं, चंदेल मध्य प्रदेश में चंदेलों का शासन रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार साइड में आती है आपकी, और उत्कला जो आपका इधर उड़ीसा साइड में आता है, कोणार्क उड़ीसा में आता है, भुवनेश्वर, पुरी एंड काकतास ये सारे आपके उड़ीसा साइड में है. ये देखिए राष्ट्रकूटों का जो शासन क्षेत्र है वो यहाँ है आपका डेक्कन में. डेक्कन यहीं पर आपका महाराष्ट्र है और यहीं आपका जो मालखेड़ है इनकी कैपिटल थी, ये कल्याणी है. ये आपके चालुक्याज हैं, होयसलाज हैं. ये चोल डायनेस्टी का शासन क्षेत्र रहा है. मदुरई जो कि पांड्यों का शासन क्षेत्र रहा है. मदुरई अभी आपको मैंने बताया था कि इन लोगों के साथ भी जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने युद्ध किए थे. तो दिस मैप यू हैव टू कीप इन योर
माइंड, और जो ये आपका काम रूप है ये दिया हुआ है जिसको असम के नाम से जाना जाता है, आप ये पार्ट इसका काम रूप, इसमें और भी कई राज्य आते थे। नाउ द राष्ट्रकूट, नाउ लेट्स स्टार्ट, द राष्ट्रकूट रूल इन डेक्कन लास्टेड टिल, यस द राष्ट्रकूट रूल इन द डेकन लास्टेड टिल द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। इस प्रकार से 10th सेंचुरी थी, यानी कि 10वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूटों का शासनकाल रहा है। गोविंद तृतीय जो थे अमोघवर्ष एंड कृष्ण तृतीय जो थे वर द मोस्ट फेमस अमंग द राष्ट्रकूट रूलर्स। ये राष्ट्रकूट शासकों में सबसे फेमस रहे हैं कौन कौन, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष एंड कृष्ण थर्ड, दे वर द फेमस रूलर्स ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। द रॉक कट केप टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र, नाउ टू ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, वर बिल्ट बाई द राष्ट्रकूटाज रूलर्स। और इस प्रकार से आपने देखा जो रॉक कट केप्स हैं, यानी कि जो चट्टानों को काट कर जो गुफाएँ बनाई गई हैं एलोरा और एलिफेंटा की, जिस जो मॉडर्न टाइम में महाराष्ट्र में आती हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा उनको अपनी सूची में शामिल किया गया है, जिनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने ही करवाया था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग अदर प्रोमिनेंट किंगडम्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग द पॉइंट्स।